तारीख 26 फरवरी 2023 मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया। तारीख 9 मार्च 2023 मनीष सिसोदिया को ईडी ने शराब घोटाले मामले में पैसों के लेन देन के आरोप में गिरफ्तार किया। तारीख 9 अगस्त 2024 मनीष सिसोदिया जेल से छूट गए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईडी और सीबीआई मामले में जमानत दे दी, लेकिन गिरफ्तारी से लेकर जमानत के बीच पूरे 17 महीने का वक्त सिसोदिया का पता था दिल्ली की तिहाड़ जेल। इन 17 महीनों में मनीष सिसोदिया के साथ क्या क्या नहीं हुआ, मंत्री पद छिन गया, सरकारी घर छिन गया, बीमार पत्नी से मिलने के लिए तरस गए, दामन पर भ्रष्टाचार की दाग लगे और कोर्ट कचहरी के जो चक्कर लगे सो अलग। जांच एजेंसियों ने 500 सबूत जुटाने के लिए 500 जगहों पर रेड मारी, दर्जनों भर लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। लिहाजा जांच एजेंसियों ने ट्रायल में देरी और जेल में रखने के लिए कोई ठोस सबूत न होने के चलते सुप्रीम कोर्ट को ये तक कहना पड़ गया कि मनीष सिसोदिया ने 17 महीने जेल में काटे हैं, लेकिन ट्रायल में देरी होना अन्यायपूर्ण है। संविधान के अनुसार उन्हें किसी भी सूरत में जेल में रखना ठीक नहीं। जमानत याचिका कोई सांप सीढ़ी का खेल नहीं, जो ऊपरी अदालत छोड़कर उन्हें निचली अदालत में भेजा जाए। बिना सजा के किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। जमानत को सजा के तौर पर नहीं रोका जा सकता और निचली अदालतों को ये समझने का समय आ गया है कि जेल नहीं जमानत ही नियम है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देते हुए जो कहा उसे आम आदमी पार्टी वालों को ये उम्मीद है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ जाएंगे, तो वही सिसोदिया की रिहाई के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी केंद्र की मोदी सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का हवाला दे निशाना साधने का मौका मिल गया है। हमें उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। ये बड़ा विलंबित फैसला है, लेकिन हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। इस फैसले को बहुत पहले हो जाना चाहिए था। 17 महीने एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को आप जेल में डाल देते हैं, ये कहाँ का न्याय है। हम सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये राहत दी मनीष सिसोदिया को, और सरकार से फिर से अपने सवाल दोहराते हैं कि ईडी और सीबीआई को आप अपनी बपौती मानकर मत चलिए। ये आपकी बपौती नहीं है, ये देश की संस्थाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की संस्थाएं नहीं है। सिसोदिया को है आज बेल मिल गया, बड़ी खुशी की बात है। मैं कहूंगा इसको बहुत देर कर दी, लेकिन ये डिवाइन जस्टिस हुआ, बहुत अच्छा लगा। दुनिया चाह रही थी, दुनिया मना रही थी, दुनिया की प्रार्थनाएं दुआएं उनके साथ थी। लगा कि उनके साथ बहुत जुल्म और ज्यादती हुई, लेकिन अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द सत्येंद्र जैन को भी, और खासकर सबके सर्वदल प्रिय देश का इतना बड़ा नेता केजरीवाल, जिसके प्रति लोगों को बहुत चाह है, आदर है, मान है, सम्मान है, ऐसे केजरीवाल जी को भी जल्द से जल्द ऐसे ही डिवाइन जस्टिस मिलेगा। अब देर नहीं होनी चाहिए, बस हमारी यही दुआ है सर। अब सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी जेल में बिताए 17 महीनों का हिसाब मांग रही है। सिसोदिया की गिरफ्तारी को बड़ी साजिश बता रही है। आम आदमी पार्टी लगातार मीडिया में ये बयान दे रही है कि गिरफ्तारी के बाद 17 महीने तक मनीष सिसोदिया के दिल्ली के घर से लेकर गांव वाले घर तक जांच एजेंसियों ने रेड की, लेकिन इसके बावजूद जांच एजेंसियों को मनीष सिसोदिया से जुड़े पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाए। मनीष सिसोदिया के घर वालों से भी पूछताछ की गई और अन्य आम आदमी पार्टी के नेताओं से लगातार पूछताछ की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला, कोई घोटाला नहीं हुआ। ये सब राजनीतिक द्वेष और आम आदमी पार्टी की छवि को खराब करने के लिए किया गया। हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए बीजेपी ने ये बड़ी साजिश रची।